मेरा नाम है ममता। वेलकम टू माय चैनल ममता क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी पराठे, मटर के पराठे। मटर के पराठे सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आप मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यू देख पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटर के पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा ले लेंगे एक परात में। इसमें हम 2 से 3 चम्मच बेसन को मिलाएंगे अपने। मैंने यहाँ 3 चम्मच बेसन मिलाया है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और ये 2 चम्मच हम ऑयल को ऐड कर देंगे। इन सभी को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंदना शुरू करेंगे। आटे को पहले अच्छे से इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। एक साथ पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए इस तरीके से आप अपने आटे को गूंदेंगे। हम अपने आटे को गूंदना शुरू करते हैं। इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमें टाइट आटा नहीं लगाना है, हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है। जितना सॉफ्ट हमारा आटा होगा हमारे पराठे भी उतने अच्छे आएंगे और फटेंगे नहीं। देखिए हमारा आटा गूंद चुका है। हम इसे ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। तब तक हमें अपने स्टफिंग बनाएंगे। ये मटर ली है मैंने, उबली हुई मटर ली है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमने दरदरा पेस्ट बनाया है। इसे ज़्यादा पतला पेस्ट ना बनाएं, इसको दरदरा ही पीसें इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें जीरा ऐड कर देंगे। 1 पिंच हींग भी यूज़ करेंगे और 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। जीरा को चटकने देते हैं। जीरा चटक चुका है तो हम इसमें अपनी ये मटर पीसी हुई डाल देंगे। हमने अपनी पीसी हुई मटर डाल दी। अच्छे से मटर को मिक्स कर लीजिए और 1 मिनट तक भूनिए इस तरीके से। इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने ये धनिया पाउडर डाल दिया है, ये जीरा पाउडर है थोड़ा सा, ये लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे बस। और ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच। ये अमचूर पाउडर है थोड़ा सा। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। ध्यान है कि हमने आटे में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो ज़्यादा नमक ना डालें। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करिए और 2 मिनट तक आप ऐसे ही इनको भूनिए स्टफिंग को। देखिए स्टफिंग हमारी तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। इसको एक बार फिर से ऑयल लगा कर सही करेंगे हम अपने आटे को। एक बार फिर से हल्का सा गूंथ लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। पहले हम इसकी लोइयां बना लेंगे गोल गोल इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने ये लोइयां बना ली हैं। अब हम अपना तवा रखेंगे। जब तक हमारा तवा गर्म होता है हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं, बेलना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप पराठे को बेल लीजिए 3 से 4 इंची। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हम स्टफिंग कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक साइड से हम उठाएंगे और ऐसे पकड़ते चले जाएंगे। दूसरे हाथ से अंदर अपने स्टफ को अंदर करते जाएंगे, दबाते जाएंगे दूसरे हाथ के अंगूठे से। इस तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमें इसे फोल्ड करना है, बंद करना है। अब इसको सूखा आटा लगा के बेलना शुरू करेंगे। पहले हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं दोनों हाथों से। हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए इस तरीके से भी आप बेल सकते हैं इसको क्लॉकवाइज।
हल्के हाथ से बेलें, ज़्यादा प्रेशर डाल के ना बेलें। अगर आपका पराठा चिपकता है तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फट रहा है, पराठा बिल्कुल तैयार है। हम इसको सेक लेते हैं, तवा भी गर्म हो चुका है। देखिए निचली साइड से हम सिकने देते हैं, हल्का गोल्डन सिक चुका है। इस पर अब हम घी लगाएंगे, अच्छे से सेक लेते हैं। दूसरी साइड से भी हम अब इसको पलट देंगे और घी लगाएंगे। पलट देते हैं, देखिए अच्छे से प्रेस कीजिए जिससे हमारा पराठा कच्चा ना रहे। देखिए हमारा पराठा सिक कर तैयार है। इसको हाई फ्लेम पे ही बनाएं पराठे को। पराठे को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। पराठा ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। इसी तरीके से हम और भी पराठे अपने बना लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। देखिए इस तरीके से अपनी पोटली बना लें, हाथ से धीरे से प्रेस करें और अपने पराठे को हल्के हाथों से बेल लें। धीरे धीरे पराठे को बेल लीजिए। ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम सेक लेते हैं, नीचे साइड से सेकेंगे सबसे पहले, पलट देंगे। अब इसको घी लगाएंगे, ऐसे धीरे धीरे प्रेस करेंगे सिक जाए, जिससे हमारा पराठा अच्छे से, दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। देखिए पराठा हमारा सिक कर तैयार है, कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखिए हमारे मटर के पराठे बनकर रेडी हैं। गर्मा गर्म पराठे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।